अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद खान, पाकिस्तान प्रैक्टिकल शूटिंग एसोसिएशन से। जैसे कि आपने टीज़र में देखा होगा कि कुछ बड़े अरसे से मैं एक सब्जेक्ट को स्टडी कर रहा हूँ, शूटिंग को। प्रोफेशनल एक शूटर इंस्ट्रक्टर हूँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ इंटरनेशनली कॉम्पिटिशन्स में और बहुत सारे इदारों को, एजेंसीज़ को फायर आर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। और इस बार मैं सोच रहा हूँ कि ये सारी इंफॉर्मेशन एटलीस्ट जितनी बेसिक लेवल तक रिक्वायर्ड है वो इन वीडियोस के थ्रू आप तक पहुँचाऊँ। ये इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए जिनके पास वेपन्स हैं, गन्स हैं घर पर, मगर कोई शूटिंग फैसिलिटीज़ नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो जाके सीख सकें। जाते हैं दुकान पे और दुकान पे जाके उधर ही खड्डे पे दो तीन फायर करते हैं और दे थिंक दैट दे आर गुड फायर आर्म ओनर्स नाउ, और वो एक रिस्पॉन्सिबल ओनर्स हैं। और फिर वो लेके भी साथ फिरते हैं अपने, सोचते हुए कि जब वक्त आएगा तो हम डिफेंड करेंगे अपने आप को और अपने लव वंस को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ऐसा होता नहीं है। ये एक स्किल है, ये एक गाड़ी की तरह है। आप ये नहीं समझ सकते कि खुदा ना खास्ता मेरे घर में कोई इमरजेंसी हुई और मैं गाड़ी चलाई नहीं कभी ज़िंदगी में, मगर मैं बस गाड़ियाँ बिठाऊँगा अपने जिसको भी ज़रूरत है अस्पताल ले जाने की, और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मैं गाड़ी चला के हॉस्पिटल तक पहुँचा दूँगा। ऐसा नहीं होगा। रास्ते में एक्सीडेंट होगा, दूसरों को भी नुकसान पहुँचेगा, आपको भी नुकसान पहुँचेगा। तो इसीलिए सीखना इस स्किल को ज़रूरी है। सिर्फ मर्द हैं तो शूटिंग ज़रूरी नहीं आपको आती हो नेचुरली। ऊपर से फिर एक और मसला ये भी है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स जो सिखाए जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रिगर कैसे दबाना है जैसे नींबू निचोड़ते हैं, वेपन को कैसे पकड़ना है जैसे किसी के मुर्गी के बच्चे को पकड़ते हैं उस तरह पकड़ना है, अब ये चीज़ें हमें नहीं समझ आती और ये अगले बंदे को आप सही समझा भी नहीं सकते हो। एंड थर्ड मोस्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोग सिखाना भी नहीं चाहते। थोड़ा सा इस हुनर में थोड़ा सा एक सेंसिटिविटी है कि नहीं भाई मैं ज़्यादा अच्छा बंदूक की हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा बंदूक चलाता हूँ तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेफ्टी के बारे में और फिर हम जाएंगे ग्रिप और स्टांस के ऊपर। सेफ्टी की जहाँ तक बात है, आपको एक पिस्टल नज़र आ रही पड़ी हुई, कुछ और गेयर भी है जिसके बारे में हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपके पास कुछ ना हो, होल्स्टर ना हो, मैक पाउच, किसी चीज़ की जरूरत नहीं, आपको गोली की भी जरूरत नहीं है। आज तक जब तक स्टेप्स हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे सिखाऊंगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर तरह का गेयर मौजूद होना चाहिए इस स्किल को सीखने के लिए। सिर्फ एक हैंडगन, लाइसेंस्ड हैंडगन है आपके पास, गुड इनफ। आप घर से भी नहीं निकल सकते, कोई मसला नहीं है, आपको स्टेप सिखाए जाएंगे जिससे आप घर में ही इस स्किल को अच्छी पॉलिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वेपन नज़र आ रहा है। अब ये सिचुएशन सिर्फ गन ओनर्स के लिए नहीं है, ये सिचुएशन उनके लिए भी है जो किसी के घर जाते हैं और उधर वो एक बंदा उसको वेपन दिखाता है या कहते हैं ये देखो मेरा वेपन मैंने लिया है, या ये चीज़ है शो ऑफ करना होता है, ट्रेंड है, दिखाना होता है, मैंने बड़ा अच्छा वेपन लिया, ये वेपन लिया, मेरी कलेक्शन देखो। तो ये सिर्फ गन ओनर्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो स्टेप नंबर वन सेफ्टी में, ये जैसे ही आप वेपन को पकड़ते हैं आपको ग्रिप नहीं आती, कुछ नहीं आता, आपने सिर्फ सबसे पहली चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो फिंगर है, ट्रिगर फिंगर, ये मेक श्योर करना है कि ये इसके ऊपर ना जाए, ये आपका ट्रिगर है। रूल नंबर वन, ट्रिगर फिंगर हमेशा बाहर रहेगी आपकी, ये जगह यहाँ नहीं है, ये जगह यहाँ है। आपने मेक श्योर करना है कि ये फिंगर हमेशा जब भी आप हैंडल कर रहे हैं वेपन को ये बाहर रहा है। ये फिंगर सिर्फ तब ट्रिगर पे जाती है जब मैं रेडी हो जाता हूँ फायर करने के लिए, उसके अलावा ये ट्रिगर फिंगर हमेशा बाहर रहेगी। रूल नंबर टू, मज़ल हमेशा एक सेफ डायरेक्शन में रखें, भले वो इधर है, भले वो आसमान है, भले वो ग्राउंड है, आप उस डायरेक्शन में रखेंगे जहाँ पर अगर फायर हो भी जाए तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, किसी बंदे को कोई नुकसान ना हो। सो क्या होगा वर्स्ट कम वर्स्ट ये होगा कि आपने अपनी उंगली ट्रिगर पे रख दी और ढा फायर हो गया गलती से, ठीक है कोई मसला नहीं है, बट आपने अपनी मज़ल डायरेक्शन सेफ रखी थी जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरा रूल, मैंने गलती से ट्रिगर मज़ल अपने अनसेफ डायरेक्शन में कर दिया, लोग हैं वहाँ कर दिया, मगर मेरी फिंगर बाहर थी, या मैंने ड्रॉ करते हुए अपने ऊपर से गुजार दिया या अपने हाथ के ऊपर से गुजार दिया, कुछ भी सिचुएशन हो सकती थी, बट मेरी फिंगर बाहर है तो कुछ भी नहीं होगा। सो टू रूल सबसे इम्पॉर्टेंट है, मसल ऑलवेज पॉइंटिंग इन अ सेफ डायरेक्शन एंड फिंगर ऑफ द ट्रिगर
ये फिंगर सिर्फ तब ट्रिगर पे जाती है जब हम रेडी टू फायर हो जाते हैं। मैगजीन बाहर निकालें, जैसे ही आपको वेपन मिलता है, आपने उठाया वेपन कहीं से निकाला, सबसे पहला काम आपका ये है कि भाई मैं चेक करूं कि ये वेपन खाली है कि नहीं है। स्लाइड को पीछे खींचें, बहुत सारे लोग इसको रोकने में, स्लाइड पीछे रुक जाती है बट इसको रोकने में उनको मुश्किलाहत फील होती है, कोई मसला नहीं है, मत रोकें, सिर्फ ग्रिप करें गन को, भले ये पाँचों के चारों चारों उंगलियाँ नीचे रखें, ट्रिगर से खाली है, और इसको खींच के तीन चार दफ़ा ऐसे रोक के देखें कि हाँ भाई बैरल जो एक बैरल है इसके अंदर सुराख आपको नज़र आएगा, उसके अंदर कोई गोली मौजूद नहीं है। दो तीन दफ़ा देख लिया, सेफ डायरेक्शन पे ट्रिगर रख के टक कर दिया। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, लोग समझते हैं कि नहीं नहीं बस देख लिए अब ऐसे कर दो, नहीं, सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने देख लिए गन खाली है, सेफ डायरेक्शन में क्लिक करो, 100% कंफर्म देयर इज नो बुलेट इन द गन, नाउ वी कैन प्ले अराउंड विद द गन, दोस्तों को दिखाएं, सबको दिखाएं, बट एक आदत बनाएं, भले आपके दोस्त ने वो शो क्लियर चेक कर लिए कि हाँ भाई वेपन क्लियर है, जब आपके पास तक आए आप फिर करें, हर बंदा उसको बार बार करे ताकि सेफ्टी का ख्याल रखें और कोई मिसहैप ना हो। ये एज फार एज सेफ्टी इज कंसर्न सिर्फ ये दो रूल्स हैं जो मेरे नज़रों में सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब हम बात करेंगे गन के ऊपर क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपने ग्रिप देखी जिसके ऊपर आपने गन पकड़नी है, जिसको जिससे पकड़ना है, और ये एक स्लाइड है जो हिलती है हर फायर के बाद हिलती है। उसके ऊपर साइट्स हैं, फ्रंट साइट है, रेयर साइट है जिससे आप शिस्त बनाते हैं अपनी, हैमर है, कुछ गन्स में हैमर होगा, कुछ फायरिंग पेन अंदर स्ट्राइकर साइड होंगी जिनके अंदर एक छोटी सी पेन होती है जो खिंच के फायर होती रहती है, लगती रहती है। सेफ्टी लगी हुई है जिससे आप सेफ्टी लगाते हैं तो फायर करते हैं तो नहीं होता, सेफ्टी हटाते हैं तो फायर हो जाता है। मैगजीन रिलीज है जिससे मैगजीन बाहर आती है, कुछ गनों में दोनों साइडों पे होती है, मेरी गन में दोनों साइड पे है। स्लाइड रिलीज, स्लाइड लॉक जिससे आपकी स्लाइड पीछे लॉक हो जाती है, पीछे करके आप इसको ऊपर प्रेस करते हैं, प्रेस कर ही रखते हैं और इसको छोड़ेंगे तो ये खुद ब खुद इस गैप में फंस जाएगी और गन पीछे स्लाइड पीछे लॉक हो जाएगी। बैरल, मजल, ट्रिगर, यहाँ से मैगजीन एंटर होती है, सिंपल सिंपल पार्ट्स हैं। अपनी वेपन को पहले समझेंगे कौन सा पार्ट क्या करता है, कौन सा नॉच क्या करता है, और फिर उसको रेंज पे जाके चलाना सीखें। अब हम आते हैं परफॉर्मेंस साइड के ऊपर। परफॉर्मेंस साइड में ये याद रखना कि आपकी परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है जैसे ही आप इस वेपन को के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ही आप टच करते हैं, दैट मींस ये पहला मोमेंट जहां मैंने अपना वेपन को कांटेक्ट किया है वहीं से मेरी परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। सो ये पहले स्टेप्स आप ख़राब करेंगे तो अगले सारे स्टेप्स ख़राब होंगे, और मेरी नज़र में बहुत सारे लोग सारे स्टेप्स अच्छे कर रहे होते हैं मगर सिर्फ पहले दो स्टेप्स ख़राब कर रहे होते हैं, विच इज़ द स्टांस एंड द ग्रिप, उसी को ख़राब कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनके सारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। तो सबसे पहले जहाँ तक हम ग्रिप की बात करते हैं, तो ग्रिप में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर राइट हैंड, और हर वेपन में, पिस्टल में, यहाँ आपको एक ऐसा लूप नज़र आए क्योंकि यहाँ पे आपका पहला कांटेक्ट होगा हाथ का और ये बिल्कुल इधर होता है। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि बिल्कुल मेरा ये सेंटर में आया है और यहाँ पे दो नकल्स हैं आपके, एक ये वाला नकल है अंगूठे वाला और ये ट्रिगर फिंगर वाला नकल है। कोशिश करना है कि ये वाला जो पॉइंट है ये वेपन का जो बिल्कुल सेंटर चोंच आ रही है, स्क्वायर जो भी शेप हो बट वो जो सेंटर एरिया है वो इन दोनों के सेंटर में आना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि जैसे ही वेपन को पकड़ते हैं तो ये वाला नकल बिल्कुल इसके पीछे ले आते हैं, जिसकी वजह से एक उनकी उंगली बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाती है यहाँ से और दूसरा ग्रिप अच्छी नहीं होती और आगे के स्टेप्स ख़राब होते हैं और रिकॉइल ख़राब होता है। आप अगर इसको देखें तो आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा ये, जबकि मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट करूँगा तो ये बिल्कुल मेरे बाजू का हिस्सा बन गया है। और अगर मैं इसको ऐसे नीचे करूँ और आप इसको पीछे से देखेंगे तो आपको बिल्कुल फील होगा कि हाँ ये बिल्कुल आपके एक बाजू का हिस्सा बन गया, स्ट्रेट लाइन में आपके आर्म्स के साथ साथ जा रहा है। जहाँ मैं इसको ऐसे करूँगा तो आपको फील होगा कि हाँ भाई ये टेढ़ा हो रहा है कुछ, ज़्यादा इस तरफ करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, मज़ा नहीं आ रहा। बट जहाँ ये बिल्कुल सीधा होगा तो आपको फील होगा कि ये बिल्कुल बिल्कुल मेरे बाजू के लाइन में जा रहा है। दूसरी चीज़ जो बहुत गलत करते हैं लोग और वो है आपका ये अंगूठे वाला एरिया।
लोग क्या करते हैं कि जैसे ही वेपन को पकड़ते हैं तो बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा अंगूठे को रख लेते हैं, जब दूसरे हाथ की बारी आती है तो वो इस अंगूठे के ऊपर फंसा देते हैं। कोशिश करें कि जैसे ही आप अपनी गन को ग्रिप करते हैं तो आपका अंगूठा जितना ऊंचा हो सकता है हो जाए। डोंट वरी, ये स्लाइड पीछे हिलने से आपके अंगूठे को कुछ भी नहीं होगा, ये हल्की सी मूवमेंट होती है, कोई इसमें ब्लेड्स नहीं लगे हुए जो आपके अंगूठे को काट देंगे। तो प्लीज़ कोशिश करें कि, और बहुत सारी जगहों पे सेफ्टी भी ऐसी जगह पोजिशन होती है कि आप आराम से उस सेफ्टी के ऊपर अपना अंगूठा रख सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारी ये भी कोशिश होती है कि जब हम अपनी परफेक्ट ग्रिप को जब अंडरस्टैंड कर रहे थे तो साथ साथ हम अपने मैग रिलीज को भी टच कर सकते हैं। मुझे अपनी ग्रिप को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है टू प्रेस एनी बटन, साथ साथ उसी ग्रिप में मैं अपनी स्लाइड भी लॉक करता हूँ, स्लाइड रिलीज भी करता हूँ, सेफ्टी भी लगा रहा हूँ, हैमर भी मैग रिलीज भी दबा रहा हूँ, एक ही ग्रिप मेंटेन करते हुए मैं अपने ये सारे काम कर सकूँ। तो ये राइट हैंड की परफेक्ट ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परफॉर्मेंस में और अगले स्टेप्स को। तो राइट हैंड ग्रिप की हमने जहाँ तक बात की है और वो ये है कि बिल्कुल प्रॉपर कंफर्टेबल ग्रिप, प्रॉपर कॉन्टैक्ट, फिंगर ऑफ, थंब ऊपर और उंगलियाँ ये रैप अराउंड हुई हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जगह हमने बिल्कुल छोड़ दी है। इस स्टेप से आगे जाने से पहले राइट हैंड ग्रिप आप समझ गए हैं। अब इस वेपन को साइड पे करें थोड़ी देर के लिए और ये अंडरस्टैंड करें कि हम ह्यूमन बीइंग्स में एक एबिलिटी है और वो है पॉइंटिंग की एबिलिटी। हम इंसान शायद एक ही ऐसे मखलूक है इस दुनिया में जो पॉइंट कर सकती है, और हम बचपन से पॉइंट आउट कर रहे हैं चीज़ों को कि अम्मी मुझे वो चाहिए, उसने मारा, उसको मारो, वहाँ जाना है। हमारी फेयरली पॉइंटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है और इसके ऊपर हमें कोई साइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें इसके ऊपर साइट्स होंगी तो हम पॉइंट करके से इतना बताएंगे। नहीं, हम इंस्टिंक्टली बस ऐसी देखते हैं जिस तरफ और हम कहते हैं उधर जाना है और हम बहुत एक्यूरेटली पॉइंट करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ इस वाली फिंगर पॉइंटिंग फिंगर से पॉइंट करें, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द पॉइंटिंग फिंगर आल्सो। तो आप इससे अंगूठे से किसी चीज़ से भी पॉइंट कर सकते हैं अपनी एक सर्टन डायरेक्शन में और फेयरली बहुत एक्यूरेटली हम पॉइंट कर लेते हैं। अब इसी एबिलिटी को इस्तेमाल करना है हमने कि हम उसको शूटिंग के साथ रिलेट कर सकें। और वो कैसे है? आपका लेफ्ट हैंड का अंगूठा, नाउ लेफ्ट इज अगेन आपका राइट हैंड का अंगूठा होगा। सो लेफ्ट हैंड का अंगूठा आपने लेना है और आपने सीधा उसको पॉइंट करना है। अगर आप नोटिस करें तो मैंने ऐसे नहीं पॉइंट किया हुआ या ऐसे नहीं पॉइंट किया हुआ, मैंने इसको स्ट्रेट पॉइंट किया जैसे मैं अपनी ट्रिगर फिंगर से करूँगा, पॉइंटिंग फिंगर से करूँगा, लेफ्ट हैंड की पॉइंटिंग फिंगर से करूँगा। इसी तरह मैं अपने अंगूठे से पॉइंट करता हूँ और जहाँ मैं देखता हूँ मैं वहाँ अपने अंगूठे को ले जाता हूँ। मैं उधर देखता हूँ तो मैं ठाक उधर ले जाता हूँ, मैं उधर देखता हूँ तो मैं ठाक उधर ले जाता हूँ, मुझे इसके ऊपर कोई साइड्स की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी कोशिश ये है, वेपन को उठाएं, परफेक्ट ग्रिप राइट हैंड की पकड़ें और लेफ्ट हैंड के थंब को कोशिश करें कि बिल्कुल बैरल के पैरेलल रख दें। तो ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये कोशिश करें कि बिल्कुल पैरेलल टू द बैरल रखें। और ये उंगलियां जो हैं ये ट्रिगर गार्ड से आगे नहीं आनी चाहिए, इस एरिया में नहीं आनी चाहिए, ये नीचे रहेंगी हमेशा। आपकी कोशिश है कि आप अपने रिस्ट को बिल्कुल आगे की तरफ जितना आगे लॉक कर सकते हो लॉक कर देंगे। नाउ हमने राइट हैंड की ग्रिप पकड़ी थी और ये लेफ्ट का एरिया सारा बच गया है, मेकिंग श्योर सारा कॉन्टैक्ट रहे और इधर आपका हाथ फिट हो जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार है आपके रिस्ट्स का। तो कोशिश मेक श्योर करना है आपने कि आपका यहाँ पे भी कोई ऐसे गैप ना आए। बहुत सारे लोग पकड़ते हैं उनका एक ऐसे इधर एक गैप आएगा, मेक श्योर ये गैप बिल्कुल फंसा हुआ, कोई भी इसके इस अंगूठे और इस अंगूठे के बीच में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए, सही तरह फंसा हुआ होना चाहिए आपका। कोशिश ये भी करनी है कि हमारा ये जो
अंगूठा है ये इस बैरल इस स्लाइड के बिल्कुल पैरेलल प्लेस्ड हो। इससे क्या होता है, क्यों पैरेलल प्लेस कर रहे हैं हम इसलिए पैरेलल प्लेस कर रहे हैं इनको ताकि जब मैं जिस तरह पहले मैं अंगूठा प्लेस कर रहा था इसी तरह मैं अभी भी अंगूठा ही प्लेस करूंगा और मेरी साइड्स 90% अलाइंड होंगी। क्यों? क्योंकि मैं कोई ज़्यादा साइड्स पे तवज्जो नहीं दे रहा, मैं अपने अंगूठे और अपनी जो मेरी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं उन पे तवज्जो दे रहा हूँ और मैं बस अंगूठा रखता हूँ उधर और मेरा गन भी उधर ही जा रही है ना। अगर इस तरह होगा तो मैं अंगूठा रखूँगा तो मेरी मज़ल नीचे होगी। तो कोशिश ये करनी है कि हमारी बैरल और हमारा ये अंगूठा एक पैरेलल लाइन में हो जाए ताकि जब मैं अंगूठा कहीं रखूँ तो मेरी बैरल भी ऑटोमेटिकली उधर ही होगी। बैरल उधर होगी दैट मीन्स साइड्स भी आपकी 80-90% उधर ही होंगे। बहुत हो गया, माइनर एडजस्टमेंट करेंगे आप अपनी आंखों को देख के साइड की और शॉर्ट फायर कर देंगे। तो ये था आपका ग्रिप, वेरी सिंपल। एक और दफा फिर से हल्का सा एक रन थ्रू करता हूँ। ये वो गोल एरिया है, मेक श्योर इसके अंदर पूरा घुसना है। हल्का सा भी आपने इधर छोड़ दिया तो ये गन में ज़्यादा मूवमेंट आ जाएगी और ज़्यादा रिकॉयल आपको फील होगा। तो कोशिश करना है इसके अंदर पूरा का पूरा हाथ अंदर आपका घुस जाए। फिंगर आपकी बाहर रहती है, अंगूठा आपका ऊंचा होता है ऊपर की तरफ। ये नहीं कि आपने इसको बिल्कुल नीचे ऐसे ले गए, ऊपर रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि दूसरा हाथ आना है, उसने अपनी जगह पे आना है, थंब की प्लेसमेंट पैरेलल हो और गोलियां उंगलियां आपकी रैप अराउंड हो गई हैं इसके नीचे। एक और चीज़ जिसका आपने बहुत ख्याल रखना है वो ये है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका कि असल में गन को जो टाइट पकड़ा हुआ है वो आपके लेफ्ट हैंड ने पकड़ा हुआ है टाइट। राइट हैंड का काम सिर्फ और सिर्फ अच्छा ट्रिगरिंग करना है, ट्रिगर दबाना है। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ लिया तो आपकी ट्रिगर फिंगर भी थक जाएगी और आपके शॉट्स में डिलेज आएंगे। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट एज फॉर नाउ आपको ये इतना पता होना चाहिए कि आपका जो लेफ्ट हैंड है वो इस गन को टाइट पकड़ रहा है और राइट हैंड का काम सिर्फ ये गोल रैप अराउंड होना और अच्छी ट्रिगरिंग। अच्छा जी, कहाँ था मैंने? ठीक है, हाँ ठीक ठीक, फिर मिलते हैं भाई अंदर। मेरा रोज़ा भी है और मैं बोल रहा हूँ आज मेरी पहली वीडियो है रोज़े में और मुझे बहुत प्यास लग रही है। एनीवे दिस इज वर्थ इट। सो हम बात कर रहे थे ग्रिप की। ग्रिप का आपको समझा दिया मैंने सारा कि ऐसे होना चाहिए, पूरा क्या क्या वजूहत है। लेफ्ट हैंड ने आपका टाइट पकड़ना है और राइट हैंड का काम सिर्फ अच्छी ट्रिगरिंग है। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रिकॉइल कंट्रोल करने के मुताबिक है। प्रिसीजन में इसकी कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि प्रिसीजन में आप एक एक शॉट मारते हो और आपको रिकॉइल कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती। हाउएवर रैपिड फायरिंग, टैक्टिकल फायरिंग में आपको रिकॉइल कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है आपका रिस्ट लॉक। हमारा रिस्ट जो है वो सबसे अच्छा जो लॉक होता है वो इस पोजीशन में होता है। इस पोजीशन में अगर मैं आपको एक मैगजीन पकड़ाऊंगा, जरा ऐसे पकड़े मैगजीन और किसी को बोलें कि हिलाओ इसको, तो बहुत मुश्किल होगा इसको हिलाना, ठीक है। बट अगर मैं इसी को इधर पकड़ लूँ और बोलूँ हाँ भाई हिलाओ इसको, तो आप इसको हिला पाओगे, इसको आप सही तरह स्टिफ तरीके से नहीं पकड़ पाओगे इस पोजीशन में। हमेशा आपका जो परफेक्ट रिस्ट लॉक होगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ में जो आपका रिस्ट लॉक होगा वो हमेशा इस पोजीशन में होगा। इस पोजीशन में आपका ये कोई भी रिस्ट नहीं तोड़ सकता। हाउएवर इस पोजीशन में अगर कोई रिस्ट तोड़ना चाहे तो आराम से तोड़ सकता है। अब हम आ गए अपने स्टांस के सब्जेक्ट में क्योंकि स्टांस के साथ ही ये रिस्ट लॉक का एलिमेंट कंबाइन होगा। सांस, आप मेरी भी शुरू की वीडियोस देखोगे कोई 9-10 साल पुरानी, तो मैं ऐसे फायर कर रहा हूं। ये वो वक्त है जब मैं समझता हूं कि ताकत जो है वो टेक्निक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि ये गलत है। एक छोटा सा बच्चा भी, आप यूट्यूब में वीडियोस देखें तो यूएस में बच्चे बच्चे लड़कियां लड़के ऐसे गन चला रहे हैं पतले पतले और कोई स्ट्रेंथ नहीं है उनमें, मगर टेक्निक उनकी अच्छी है। तो ये याद रखना, स्ट्रेंथ टेक्निक से ज़्यादा अच्छी नहीं है, टेक्निक हमेशा जीतेगी।
और वो टेक्निक क्या है, सीधे खड़े हुए हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एवोल्यूशन देता हूँ स्टांस के ऊपर। तो पहले मैं इस तरह होता था, वो 10 राउंड फायर करने एक छोटे से टारगेट के अंदर, ठक 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 ठक, बड़ा मैंने तेज फायर करना है और ठक 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 इस तरह फायर करता था। और अब मैं वही चीज़ ऐसे कर रहा हूँ। ये कितनी कंफर्टेबल है, मैं आपसे ऐसे ही बातें कर रहा हूँ, गपशप लगा रहा हूँ आपसे, गपशप लगा रहा हूँ, फायर कर रहा हूँ। कोई मैंने अपनी बॉडी पे कोई स्ट्रेस नहीं दिया, कोई मैंने अपनी गर्दन नहीं टेढ़ी की, कोई मैंने अपना कंधे नहीं उठाए हुए, कोई भी अनकंफर्टेबल पोजीशन में मैं अपने आप को नहीं लाया हूँ। सो बेसिकली मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल रिलैक्स खड़ा हुआ हूँ, और मुझे कोई फायर करने को कहता है और मैं ऐसे वेपन उठाता हूँ और फायर कर लेता हूँ। मैंने कोई भी फेशियल स्ट्रेस, बॉडी लैंग्वेज में आपको कोई भी मेरे स्ट्रेस नहीं नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल वे ऑफ स्टैंडिंग है। इसी तरह मैं चाहूँगा कि आप भी जब वेपन को उठाएँ, पिस्टल को उठाएँ, तो कोई ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और थ्योरी आ जाती है मेरी, एंड दैट इज़ लुकिंग फॉर द साइट्स। साइट्स को ढूंढना सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से आप अपने आप को एक स्ट्रेसफुल स्टांस में ले आएंगे। और वो राइफल, शॉटगन, M16, G3, जो भी वेपन उठा लें, उसमें हर बंदा थोड़ा बहुत ये करता है, पिस्टल में सबसे ज़्यादा। कैसे करता है वो कि वो वेपन पकड़ा हुआ है उसने, हाँ भाई मारना है, ठीक है, मैंने वेपन उठाया आधे रास्ते में, और अब मैं महसूस करता हूँ कि मुझे सर को नीचे ले जाके आँखों से साइट्स को ढूंढने की ज़रूरत है। नहीं, आप अपने आप को अपनी जगह पर रखें, आँखों को अपनी जगह पर रखें, टारगेट की तरफ फोकस करें और इन साइट्स को उठा के अपनी आँख और अपने टारगेट के बीच पर ले आएँ, जिसकी वजह से आपका फेस अपनी जगह पर रहेगा और जल्द से जल्द आपकी ये साइट्स आपकी आँख और आपके टारगेट के बीच में आ जाएगी। तो मेक श्योर करें कि आपकी स्टांस में कोई भी मूवमेंट ना हो, आप रिलैक्स खड़े हुए हैं, भले ड्रॉ कर रहे हैं, जो भी पोजिशन है, वेपन टेबल से उठाए कर रहे हैं, मेक श्योर योर शोल्डर्स आर रिलैक्स्ड, योर टोटली रिलैक्स्ड, आँखें आपकी टारगेट की तरफ देख रही हैं, और आप अपने वेपन को उठा के साइट्स को अपनी आँख और अपने टारगेट के बीच में ले आते हैं। और इधर ही आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि इसकी वजह से ओवर एक्सटेंड नहीं करना, ओवर एक्सटेंड से आपका ये बिल्कुल सीधा हो जाता है, ये आपका उस पोजिशन में आया था जहाँ पर आप इसको नहीं रोक सकते हो। ये वो पोजीशन है जहाँ पे मेरा वेपन नहीं हिलेगा, कोई हिला के दिखाए इसको, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा लॉक यहाँ पे मेरा होता है। सो वेपन को थोड़ा सा नज़दीक लाएं, बाजुओं को रिलैक्स करें, रेस्ट करें और आराम से अपनी गन का वजन उठाएं। आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ज़्यादा देर तक इस तरह खड़े हो सकेंगे। जितना आप रिलैक्स होंगे उतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी, उतनी कंसिस्टेंट आपकी परफॉर्मेंस होगी। सो ग्रिप के बाद क्या इंपॉर्टेंट है, रिलैक्स खड़े हो जाना, डोंट लुक फॉर द साइट्स, साइट्स को नहीं ढूंढना, साइट्स को अपनी आंख और अपने टारगेट के बीच में लाना है। और रिस्ट लॉक हमेशा मैक्सिमम इस तरह होती है, तो थोड़ा सा वेपन को नज़दीक लाएं, आर्म्स को रिलैक्स करें और रिस्ट को अपनी मैक्सिमम पोजीशन में, लॉकिंग पोजीशन में ले आएं। फिंगर आपकी हमेशा बाहर होती है जब आप फायर नहीं कर रहे, सिर्फ जब आप टारगेट पर आ जाते हैं तब आप अपनी फिंगर लाते हैं, ठक 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 फायर करते हैं, फिंगर ऑफ करते हैं और रिलैक्स कर जाते हैं। ओके, तो हमने आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, हमने गन के सारे पार्ट्स का डिस्कस की है, हमने कैसी ग्रिप होनी चाहिए और क्या उसकी साइंस है उसके पीछे वो डिस्कस की है, हमने ये भी डिस्कस की है कि स्टांस कैसे खड़ा होना है और सब कुछ। बट आपको क्या ड्रिल मैं ऐसी दूँ जिसमें सिर्फ ग्रिप और सिर्फ स्टांस की प्रैक्टिस हो रही है, और वो है सिंपल। स्टॉप वॉच रखें यहाँ पर अपना एक टेबल पे, वेपन उठाएं, सो प्रॉपर ग्रिप करें, ग्रिप के लिए तो कोई ड्रिल नहीं है, जस्ट मेक श्योर कि जब आपका राइट हैंड कांटेक्ट में आए तो सबसे पहले आप इस जगह को टच करें, कांटेक्ट करें, मेक श्योर आपका ये एरिया बिल्कुल सेट हो, फुल कॉन्टैक्ट में हो, मेक श्योर आपका जो अंगूठा है वो ऊपर की तरफ हो ताकि दूसरा हाथ आ सके अपनी जगह पर, उंगलियां सारी नीचे हैं इस एरिया में, इससे आगे नहीं आ रही हैं, और आपका अंगूठा पैरेलल टू द बैरल है। और आपकी पहली ड्रिल क्या है, एक टेप का निशान दीवार पे लगा के मेक श्योर वेपन आपका क्लियर है,
और होल्ड करें इस पोजीशन को। कोई क्लिक श्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम ट्रिगर पर नहीं आए, नेक्स्ट एपिसोड में हम ट्रिगर की बात करेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट होल्ड दिस पोजीशन। अलाइनमेंट साइट करके, साइट अलाइन करके, ज़रूरी भी नहीं है अभी आप साइट अलाइनमेंट करें, अगर कर सकते हैं तो ठीक है, थोड़ा सा उसको स्ट्रेस दे दें, बट अभी के लिए सारा स्ट्रेस क्या है कि हाँ ये ग्रिप अच्छी है, मैं कंफर्टेबल हो रहा हूँ, मुझे दर्द हो रही है, कुछ अरसे बाद वो दर्द ख़त्म हो जाएगी पकड़ पकड़ के, और मैं गेट यूज टू हो रहा हूँ इस ग्रिप के गेट यूज टू हो जाएँ। एक दो दिन लगेंगे मैक्सिमम, गन पकड़ पकड़ के इस तरह पकड़ लगाएँ, इधर हाथ घुसाएँ, इधर जल्द से जल्द आपका उंगलियाँ आ जाएँ आपकी, और ग्रिप कंसिस्टेंट हो जाए। ग्रिप कंसिस्टेंट करने के लिए एक और छोटी सी टिप है जो मेरे दिमाग में आ गई अभी, एंड दैट इज ट्रिगर गार्ड का ये लोअर एरिया। अगर आप नोटिस करेंगे कि ट्रिगर गार्ड का लोअर एरिया मैंने ऐसे ग्राइंड किया हुआ है, एक शेप कट बनाया हुआ है यहाँ पर, और वो इसलिए है कि जनरली मुझे याद आए कि हाँ जब भी मैं आता हूँ तो मैं इधर ही आता हूँ, और वो कौन सा पार्ट है मेरा, ये वाला पार्ट, उंगली का थर्ड बॉक्स, 1 2 3 थर्ड बॉक्स के एरिया में कहीं ना कहीं मेरा ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है मेरे लेफ्ट हैंड का। याद रखना हर छोटी छोटी डिटेल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आपका जो फिंगर ऑफ है, फिंगर ऑफ करते हुए भी आप उस जगह को महसूस करें कि हाँ ये कैसी कौन सी जगह है, महसूस करते हुए भी आप आंखें बंद करके भी आप फील कर सकेंगे कि हाँ यार ये मेरी फिंगर बिल्कुल सही जगह पर है। अंधेरे में मैं कलाबाजियां भी मार रहूंगा, मेरे दिल में सुकून होगा कि हाँ यार आई कैन फील, वो जो स्पॉट मुझे महसूस होता है जिसकी मैंने पहचान बना ली है, अब चाहे जो भी हो जाए मेरी वेपन मेरे सेफ है, मैं रिलैक्स्ड हूँ, ये गन नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि हाँ यार ये उंगली उधर ही है जहाँ मैं हमेशा रखता हूँ। तो एक जगह बना लें, बहुत सारी गन्स में तो वो जगह उन्होंने रफ की हुई है, सीजर ड्यूटी को अगर आप देखेंगे तो उसमें यहाँ पे भी रफ पैच है और यहाँ पे भी रफ पैच है, वो आपके अंगूठे के लिए। तो आइडेंटिफिकेशन के मार्क्स उन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं, अगर नहीं है तो आप अपना खुद बना लें, कोई महसूस कर लें, कोई लोहे का टुकड़ा जो आपको महसूस होता हो। सो ग्रिप की ग्रिप पकड़ी आपने, लेफ्ट हैंड फर्स्ट कॉन्टैक्ट आपका ये हुआ है, इस जगह को थोड़ा सा ऐसे उंगली से मारें ताकि आपको याद रहे कि जैसे ही मेरा अपना दूसरा हाथ लाना है तो पहला कॉन्टैक्ट ये करना है, इस पहले कॉन्टैक्ट के बाद मेरा हाथ खुद ब खुद अपने परफेक्ट जगह पे पहुंच जाएगा। अब ये किसी का यहाँ होगा, किसी का यहाँ होगा, किसी का यहाँ होगा, किसी का आगे पीछे होगा, ये जो भी आपका अपना है, बट कंसिस्टेंट होना चाहिए। याद रखें जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर लें, कुछ चीज़ें शायद आपको मेरी पसंद भी ना आए, आप कहें नहीं यार मुझे ये नहीं पसंद, मैं इस तरह करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। हर बंदे का अपना अपना पर्सनैलिटी है, हर बंदे की अपनी अपनी फीलिंग से अपने वेपन के मुताबिक कुछ ना कुछ डिफरेंट हो सकता है, कोई मसला नहीं है, बट एज लॉन्ग एज वो हमेशा कंसिस्टेंट हो, हमेशा वही एक ही चीज़ हो, कोई उसमें तब्दीली ना आ रही हो कि कभी यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, जब तक आपकी ये ग्रिप कंसिस्टेंट नहीं होगी आपके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं आएंगे। वेरी सिंपल। और ड्रिल क्या है प्रैक्टिस करने की? वेरी सिंपल, मेक श्योर वेपन खाली है, क्लिक, अच्छी ग्रिप राइट हैंड की, लेफ्ट हैंड की अच्छी ग्रिप, लेफ्ट हैंड ने ज़्यादा स्ट्रांग पकड़ा हुआ है, कुछ नहीं स्ट्रेस करना अपनी बॉडी में, रिलैक्स रहना है, ज़्यादा आगे नहीं होना, ज़्यादा पीछे, हील्स पे ज़्यादा नहीं जाना, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी पकड़ते हुए, स्टेबिलिटी रखते हुए गन को उठाएं और अपनी आंख और अपनी टारगेट के बीच पे ले आएं, और इस जगह को होल्ड करें, इस पोजीशन को। आपके मसल्स अभी डेवलप्ड नहीं है, आप 5 मिनट में अभी थक जाएंगे थोड़ी देर में इस वेपन को पकड़ते हुए, इवन दो वेपन खाली है, अभी भरेंगे तो और आपको स्ट्रेस फील होगा, वजन फील होगा। वेपन नहीं है आपके पास, कोई मसला नहीं है, 1 kg का वजन उठा के ऐसे पकड़ लें, आपके मसल्स डेवलप हो जाएंगे, जब तक आप वेपन लेने के लिए तैयार होंगे तब तक आपके मसल्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके होंगे। सो अगर आप मुझे कहेंगे कि हमजा इस तरह खड़े हो जाओ 1 घंटे के लिए, कोई मसला नहीं है, मैं आपको बोलता हूँ हाँ भाई खड़े हो जाओ 1 घंटे के लिए, जिस तरह सजा मिलती थी क्लास में, तो आपको कोई मसला नहीं है। बट अगर मैं आपको बोलूँगा कि इस तरह खड़े हो जाओ 5 मिनट के लिए, तो आप कहोगे भाई मैं तो थक जाऊंगा। सो वाई आर वी डूइंग दिस वाइल शूटिंग? सो रिलैक्स, जिस तरह आपको, अब आप मुझे बोलोगे 1 घंटे के लिए इस तरह खड़े हो जाओ, मैं बोलूँगा कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत दफ़ा सालों साल भर इस तरह की प्रैक्टिस करता रहा हूँ और मेरे मसल्स और पूरी बॉडी इतनी रिलैक्स हो गई, इतनी इम्यून हो गई इस पोजिशन के, कि मैं इस पोजिशन में आराम से सो जाऊँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। सो रिलैक्स,
30 सेकंड्स का रेस्ट, स्टॉपवॉच लगा लें, क्लॉक लगा लें, 30 सेकंड्स का होल्ड, 30 सेकंड्स का रेस्ट, रेस्ट में आप छोड़ भी सकते हैं वेपन को, रिलैक्स करें, थर्टी सेकेंड्स का होल्ड, 30 सेकेंड्स का रेस्ट, एंड यू शुड बी डूइंग दिस कम से कम आधा घंटा, एक घंटा तो एटलीस्ट करना चाहिए आपको ये. हफ्ते के बाद आपको इतना महसूस फील होगा कि हाँ यार ये तो अभी बिल्कुल आसान हो गया, ग्रिप शिप आसान हो गई है, अब ये नहीं हिलती अपनी. चले तो आजकल के लिए इतना ही था. अगले एपिसोड्स में हम और डिटेल में चीज़ें बात करेंगे, डिस्कस करेंगे. मेरी पहली बार मैं ये इस बड़े सी ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, फॉरगिव मी अगर कोई मैं ब्लंडर्स कर रहा हूँ बीच में. होपफुली अगले वीडियोज़ में आपको और रिफाइंड वीडियोज़ फील होंगी. सो फॉर नाउ